गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं, उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, वो अवैध असला लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है, मुख्यमंत्री उनके यहां बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहां बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं टॉर्च नहीं कट्टा था, फिर उसने कहा कि नहीं उस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा कहां था, एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अंबेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संविधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है, देखा है नहीं देखा। और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर, ये याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना एक बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे, अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे, बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के, ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों पर बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई, कितनी लाशें उठा वहां मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा, आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम है? ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, आपकी ताकत से आपने दी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते हो नहीं जानते इस बात को, मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं मेरे लोगों। आप बताओ क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो माननीय काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं, तो हमें दलित पिछड़े जो 6,743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाने का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन ओबीसी वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन सिख बौद्ध ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे, उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है, तुम में मानवता है। तुम सबका सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहां है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए इन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया, आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल ये मेरे लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि ये मेरी माओ बहनों को बेइज्जत करें, उनका शोषण करें, उनको मारने की आजादी दोगे ने? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राजसत्ता आपके हाथ में आएगी। वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब आपका राज आएगा, सोचो, आपका राज आएगा तो यहां अगर सभा होगी तो कुर्सियां लगी होंगी या जमीन पर बैठना पड़ेगा बताओ? देखो, मैं धन्यवाद देता हूं यहां के एक एक कार्यकर्ता का, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके इस सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, और मैं जानता हूं, मैंने देखा भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए हो, मैंने देखा। आप इस जरा सी जगह कम पड़ी है, आप अपने पैर पे खड़े हो। मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाऊं? कहावत है, मन पक्के दूध दा की पा, मन पक्के दूध दा की पा, अगर कटड़े नू चुंगन नहीं मिलिया। इसको हिंदी में समझ लो, उस वोट का क्या फायदा? पहले उसको समझा दूं, मन पक्कन दूध, यानी के इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कटड़े को, भैंस के बच्चे को चुंगने को ना मिले, उसका पेट ना भरे? इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता ना आए? आप बताओ,
वोट आपकी सरकार उनकी ये नहीं चलने दो मेरे लोगों, वो आपके बदन से खाल खींच लेंगे। वो ये क्या करेंगे पता, वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो,